गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फोर्थ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 12. हेयर वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर 12, हाउ हैवी हाउ लाइट. सो लेट स्टार्ट. जेजू एंड मनु वर शिफ्टिंग हाउसेस. दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट. देयर वर मैनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक, 5 sacks ऑफ वीट्स, 3 tables, एन अलमिरा, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans. यहाँ पे क्या बताया है कि जेजू एंड मनु देयर आर टू पीपल हु आर शिफ्टिंग देयर हाउस. शिफ्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग, गेटिंग अ न्यू हाउस. ठीक है, एक नए हाउस में रहने जाना. ठीक है, नाउ अभी उन्होंने क्या किया, दे लोडेड ऑल द थिंग्स ऑन द हाउस हॉर्स कार्ट. उन्होंने घर की सारी चीज़ें जो थी उनके पास, उनके रूम में, उन्होंने वो सारी एक हॉर्स कार्ट पे रख दी. दिस इज हॉर्स एंड दिस इज कार्ट, सो हॉर्स कार्ट. नाउ दे आर आस्किंग दैट, दे आर सेइंग दैट द थिंग्स वर सो मैनी, देयर वर मैनी थिंग्स. अब घर में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो लाइक दैट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके पास थी. अभी क्या किया उन्होंने, क्या क्या चीज़ें थी वो सारी उन्होंने लिस्ट दी हुई है यहाँ पे. क्या दी है, क्या क्या बताया है, अ वाटर टैंक, 5 sacks ऑफ वीट, 3 tables, एन अलमिरा, 4 chairs, 2 mattresses. अभी इन सब के मीनिंग्स देख लेते हैं हम. फर्स्ट, वाटर टैंक तो आपको पता है, पानी का टैंक. 5 sacks ऑफ वीट, वीट मतलब गेहूँ, तो 5 sacks मीन्स बोरी या कट्टे, अपन अपने यहाँ कट्टे आते हैं ना, अपन ऐसे बोलते हैं. सो 5 sacks ऑफ वीट, 5 गेहूं की बोरियाँ, 3 tables, यानी कि टेबल थी उनके पास, ये दिख रही हैं ऐसे टेबल्स थी 3, एन अलमेरा एक अलमारी, 4 chairs, 4 chair थी, 1, 2, 3, नहीं ये तो टेबल है, 1, 2 और भी होंगी जो हमें दिख नहीं रही, लाइक दैट. फिर उनके पास चेयर के बाद क्या था यहाँ पे, 2 mattresses, mattresses मतलब गद्दे होते हैं ना सोने के लिए, वो, 3 sacks ऑफ राइस, sack मीन्स अभी बताया था कट्टे होते हैं, 3 कट्टे थे किस चीज़ के, बोरी थी राइस चावल की, बाम्बू लैडर, बाम्बू लैडर मतलब बांस की जो वो होती है ना, नसें ही बोलते हैं हम वो, पॉट्स मतलब घड़े मटके, एंड पैन्स, पैन मतलब खाना बनाने के लिए जो पैन्स होते हैं ना, कढ़ाई पैन वो सब चीज़ें. सो इतनी चीज़ें उनके पास थी. व्हेन दे वर रेडी टू मूव, जब वो जाने के लिए तैयार थे, द हॉर्स रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट. दे वंडर्ड व्हाई, देयर फादर सेड दैट दिस हॉर्स वॉज नॉट वेल एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर देन 700 kgs. ओह बट हाउ हैवी इज़ दिस लोड, दे आस्क्ड. तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब उन्होंने सारा सामान रख दिया तो घोड़े ने चलने के लिए मना कर दिया कि मैं तो आगे चलूँगा ही नहीं, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर देना. तो उसने बोला मैं आगे नहीं बढ़ूँगा. क्यों, वो लोग सोचने में लगे कि क्यों नहीं बढ़ रहा ये सामान लेके क्यों नहीं जा रहा. तो उनके पापा बोलते हैं, इन लड़कों के दोनों के पापा बोलते हैं कि ये ठीक, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये 700 kg यानी कि 700 किलो से ज़्यादा, ये किलोग्राम से ज़्यादा ये वज़न धका ही नहीं सकता, ले जा ही नहीं सकता, खींच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है. बट हाउ हैवी इज़ दिस लोड, लेकिन अब किसी को भी नहीं पता ना कि ये 700 से कितना ज़्यादा है, कि हम कितना कम वेट करें. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा, दे आस्क्ड कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सामान है ये कितने वजन का है. सो अभी क्या करना है, फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ वेट ऑफ ईच थिंग. और तो उनके पापा ने कहा कि चलो मैं तुम्हें हर चीज़ का वेट बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ लगभग लगभग कितनी कितनी वेट की होगी. तो सबसे पहले उन्होंने बताया, एक बोरी गेहूँ 100 किलो का होता है, 100 kgs. 1 sack ऑफ राइस 35 kg का होता है. वाटर टैंक 50 kg का होगा. अलमेरा मीन्स अलमारी 70 kg की होगी. टेबल
10 kg की होगी, चेयर 5 kg की होगी, मैट्रेसेस 20 kg के होंगे, बाम्बू लैडर 10 kg का होगा और पॉट्स एंड पैंस 10 kg में आ जाएंगे। सो अब यहाँ पे आपको उन्होंने पूरा बता दिया है कि ये सारी चीज़ें एक एक वन वन चीज़ें कितने 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 की वेट्स की हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि उन्होंने कितना टोटल वेट लोड किया हुआ है उस गाड़ी पे। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो जब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि सारी चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। थिंग्स सबसे पहले, सैक ऑफ वीट, सैक ऑफ राइस, वाटर टैंक, अलमीरा, अ टेबल, अ चेयर, ए मैट्रेस, मैट्रेस, बाम्बू लैडर, एंड वन मोर थिंग, पॉट्स एंड पैन्स। ये अपन ने सारी चीज़ें लिख ली। अब उन्होंने कितनी कितनी खरीदी थी हम पेज टर्न करके पहले ही देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने पेज टर्न किया तो इस पेज में क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ कितनी है इसमें लिखा हुआ है, तो वो हम इसमें इसके सामने लिख लेंगे कि उसके पास सैक ऑफ वीट यानी कि वीट की सैक कितनी थी। पहले तो वाटर टैंक देख लेते हैं, वाटर टैंक उसके पास था 1, ठीक है, 1 वाटर टैंक था। फिर उसके पास सेकंड चीज़ क्या थी, 5 सैक ऑफ वीट, वीट की कितनी सैक्स थी, 5। 3 टेबल्स, इसमें टेबल कहाँ है, टेबल कितनी थी उसके पास, 3। अलमीरा 1, ठीक है, चेयर्स 4, मैट्रेसेस 2, मैट्रेसेस मतलब पलंग भी हो सकता है, ओके। फिर 3 सैक ऑफ राइस, राइस की कितनी सैक्स थी, 3। बाम्बू लैडर कितनी थी, 1। पॉट्स एंड पैंस हम यहाँ पे फ़िलहाल 1 मान लेंगे, ठीक है, जितने भी, क्योंकि उन्होंने पॉट्स एंड पैंस के टोटल ओवरऑल बता दिया, ठीक है, कि इतना है। सो अब हमें करना क्या है कि हमने यहाँ पे लिख लिया कितनी कितनी काउंटिंग है। अब उन्होंने तो अपन को वेट कितने कितने के बताए हैं, एक एक का वेट बताया है ना, उन्होंने ये बताया है कि वन वन चीज़ें कितनी कितने वेट की हैं। तो अब हम इसमें सिंपल सी चीज़ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कितने की। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे सैक ऑफ वीट, एक वीट का वेट कितना है, 100 kg, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल वेट इसका कितना है, 500 kg, यानी कि जो पांचों उनने सैक रखे हुए हैं वो कितने के हो गए, 500 kg के हो गए, ठीक है। और उसका टोटल कितना उठा सकता है वो, सिर्फ 700, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 700 kg वो कितना उठा सकता है, 700 kg। तो जब ये एक वेट इसका 100 kg है तो 500 तो यही होगा, है ना। सो लेट्स चेक, अब सैक ऑफ राइस का वेट कितना है, 35। तो यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 105, क्या आ जाएगा, 105 kg, ये आ गया, ठीक है। अभी वाटर टैंक कितना है, एक ही है, तो 1 से इसको 50 करा तो ये हो गया 50 kg, ठीक है। फिर अलमीरा, अलमीरा का वेट कितना है, 70 kg, वो भी एक ही है, तो आंसर आ गया 70 kg।
फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है टेबल। टेबल का वेट है 10 kg। 10 kg से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 40 kg। फिर एक चेयर का वेट इसमें कितना बताया हुआ है, 5 kg। मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना हो गया, 4 × 5 = 20 kg। फिर यहाँ पर मैट्रेसेस के बारे में बताया, मैट्रेसेस कितने हैं, 20 kg, एक 20 kg की है, 2 × 4 यानी कि 40 kg। फिर बाम्बू लैडर, बाम्बू लैडर कितने की है, 10 kg की, तो 1 × 10 kg, ठीक है, तो क्या हो गया 10 kg। और पॉट्स एंड पैन्स भी 10 kg के अराउंड हैं, तो वो तो हम उसको 10 में ही मानेंगे, तो वो 10 kg हो गया। अगर एक से ज़्यादा भी हैं पॉट्स एंड पैन्स, तो वो ऑल ओवर उन्होंने डायरेक्टली उसका पहले से ही उन्होंने वेट बता दिया था कि 10 kg ही है तुम्हारे जितने भी हैं, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो 10 kg हमने लिख दिया। अब हमें इन सबको ऐड करना है। इफ़ वी विल ऐड ऑल दीज, सो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो वेट है इन सबका वो कितना है। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 835 kg। अब हमें पता चल जाएगा कि ये 700 से कितना ज़्यादा है और हमें कितना कम वजन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सामान तो दूसरी जगह पहुँचाना है। सो नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट, ठीक है। अब उन्होंने फैसला किया है कि अब वो कुछ चीज़ें हटा के कार्ट में से उसको 700 kg कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो जो हॉर्स है वो चलने लगेगा और उनका सामान दूसरी जगह पहुंचा देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें कितना कम करना है, तो हम क्या करेंगे, 835 में से माइनस कर देंगे 700 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 135 kg, यानी कि हमें 135 kg कम करना पड़ेगा। 135 का मतलब है, अगर हम इसको अलग अलग करें तो 100 + 35 हो गया अलग अलग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसी चीज़ देखेंगे जो 100 kg की है और जिसको हटाने से हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो, है ना। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी जो 100 kg की और 35 kg की, तो वो दोनों चीज़ें हैं ये सिंगल सिंगल। तो हम एक सैक वीट की हटा सकते हैं और एक सैक राइस की हटा सकते हैं, इनको हटाने से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि सैक ऑफ वीट 5 है, अगर 5 में से एक हट भी जाता है तो उनके पास 4 रहेंगी और वो आराम से उसको बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। और राइस भी कोई 35 kg, मतलब 105 kg इतनी जल्दी तो खा नहीं पाएगा, तो अगर वो एक सैक राइस की हटा भी देते तो भी उनका आराम से बहुत समय तक दो लोगों के लिए इतना 2 sacks ऑफ राइस बहुत होता है। सो दे कैन एडजस्ट, अगर वो ये दोनों में से एक 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 सैक नहीं भी लेके जाएंगे तो भी उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 sack ऑफ वीट एंड 1 sack ऑफ राइस हटा देंगे, जिससे कि हमारा वेट जो है उसका वजन कितना हो जाएगा 700 और जो घोड़ा है वो चल पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, विच थिंग्स शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज़ नॉट मोर देन 700। तो अभी हाल हमने क्या क्या डिस्कस किया है, 1 sack ऑफ राइस एंड 1 sack ऑफ वीट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 sack ऑफ राइस 35 kg एंड 1 sack ऑफ वीट 100 kg रिमूव कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा आंसर हमें सही मिल गया कि हम ये दो चीज़ें हटाएंगे तो जो वेट होगा वो 700 kg आ जाएगा। नाउ द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार वर बिग इन सच साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी, टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीडेड अ बैलेंस। सो
यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब हमने ये तो अंदाजा तो लगा लिया कि हमें ये चीज़ें हटानी हैं, लेकिन जो चीज़ें थी जो कि कार्ट पे रखी होनी थी वो क्या थी, बहुत बड़े साइज़ की थी और हैवी भी थी, तो उनका वेट मेजर करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, एक बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है तराजू, ठीक है। अब तराजू यूज़ किया उन्होंने, कैसा तराजू यूज़ किया, बड़ा, बिग वन। सो जब उन्होंने बिग वन यूज़ किया, सो हेयर यू कैन सी नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस, राइट डाउन हाउ यू मेड इट, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन दिस बॉक्स बिलो। आप बस यहाँ पे एक बैलेंस की फोटो ऐसे ड्रॉइंग बना देना, ओके, नथिंग मोर देन दैट। नाउ हेयर वी विल लीव दिस एक्टिविटी, आई विल गिव यू दिस लेटर टू डू, मैं आपको ये करने के लिए बाद में ज़रूर दूंगी और एक्सप्लेन मैं अभी कर देती हूँ। मन्नू एंड जेजू पुट अ पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स इन द टू पेन्स ऑफ अ बैलेंस, विच पेन विल गो डाउन, वाई, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो इट, ठीक है। सो वी विल डू इट लेटर। नाउ वॉट इज हैवियर, मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट, लीव दिस, अभी यहाँ देखते हैं। What is the heaviest? Make group of three things. तीन चीज़ों का आपको एक ग्रुप बनाना है जिसमें एक ग्रुप में तीन चीज़ें हों। For example, eraser, ball and a paper. Use the balance to arrange them in order of the weight. The lightest, the one with in between weight and the heaviest. Complete the table with at least 5 examples. तो यहाँ पे आपको ही ये करना है। Can you find your own weight using this balance? क्या आप ऐसा वाला जो तराजू होता है इसको यूज़ करके खुद का वेट नाप सकते हो? If you have very big one, then it could be. But other than that, no. Okay. अगर आपके पास इतना बड़ा वाला है तो हाँ, नाप भी सकते हैं। ओके और ये वाला आपको खुद करना है। यहाँ पे ऐसे ही तीन तीन ग्रुप्स बना के नाम लिख लेना, जो सबसे हल्का है वो यहाँ, जिसमें बीच का वेट है वो यहाँ, और जो बहुत हैवी है वो यहाँ, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, मेकिंग वेट्स हेयर। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी, वी विल लीव इट, यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, इट इज़ ईजी, इसमें कुछ नहीं करना है। वो आपको ये बोलेंगे कि किसी एक चीज़ जिसका आपको वेट पहले से पता हो, जैसे कि मार्केट से हम कई चीज़ें खरीद के लेके आते हैं जिन पे पहले से वेट लिखा होता है, उसका वेट हम घर पे ही बना सकते हैं। एक साइड वो रखेंगे और दूसरे साइड हम एक पॉलिथिन रखेंगे जिसमें हम कोई भी एक चीज़, मिट्टी या चावल या जो भी चीज़ आपको चाहिए वो डालते जाओ और वो उसके बराबर का वेट बन जाता है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, यू कैन रीड इट बाई योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट। दिस we are leaving, next page, practice time. Now you have to, they had given you some here weights, okay, यहाँ पर आपको कुछ weights दिए हैं और आपको यहाँ पर जो ये weights दिए हुए हैं उनको calculate करना है। पहले तो आपको add करना है कि कौन सा side कितना weight होगा और फिर आपको ये बताना है कि कौन सा weight है जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दोनों दो वेट्स हैं तो उन्होंने क्या किया कि दोनों वेट्स को प्लस किया। 40 प्लस 25 होता है 65 और 40 प्लस 35 होता है 75, तो कौन सा वजन ज़्यादा है, 75, तो 75 नीचे जाएगा, उन्होंने एरो बना दिया है। बस इसी तरीके से हमको इसको और आगे सॉल्व करना है, क्या कि जो बाकी सारे हैं उनमें आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे हम मैंने आपको कोई एक करके दिखाना है, कौन सा, मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ या ये वाला, वॉट एवर आप जो, अब नाउ आई कैन नॉट आस्क यू, सो लेट्स डू दिस वन, ओके, मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 36 ग्राम्स एंड 75 ग्राम्स, सो 36 ग्राम और 75 ग्राम्स, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 7 और 3 10 होते हैं, प्लस 1 11, ये हो गया 111 ग्राम्स। हेयर 100 ग्राम्स प्लस 63, तो ये हो गया 163 ग्राम्स। अब इन दोनों में से वेट कौन सा ज़्यादा है, 163 ग्राम्स, तो हम इस पे ऐसा एरो बनाएंगे जैसा कि उसमें बना हुआ है,
डाउन वाला, कि जो है ये वाला जो पैर उसका तराजू का साइड है वो नीचे जाएगा, बिकॉज दिस इज हैवी. ओके, लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ इन 1, 2, 3, 4, दिस 4. नाउ इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पैन इक्वल टू 1 किलोग्राम, कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पैन है जिसमें 1 किलोग्राम के बराबर वेट है, तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. ठीक है, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000. 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000. ठीक है, ये इसकी किलो की यूनिट, स्मॉलर यूनिट है जो कि है ग्राम. ओके, नाउ आई होप यू विल लर्न इट प्रॉपरली, रिमेंबर दिस फॉर ऑल द टाइम. नाउ अब वो ये पूछ रहे हैं 1 kg के आसपास कौन सा है इसमें, तो वो तो आप जब प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है वो 1 kg के अराउंड है. ठीक है, सो यू कैन मेजर इट. नाउ हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg? 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? नाउ ओनली आई टोल्ड यू 1000 ग्राम्स होते हैं 1 kg में. हाउ मैनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स. सो वी कैन राइट हियर द आंसर. नाउ प्लीज टर्न द पेज. Here, grams and kilograms. Okay? Here, next we have grams and kilograms. यहाँ पे आपको क्या करना है कि name 5 things that we usually buy. यहाँ पे आपको ऐसी कोई सी भी 5 चीज़ों के name लिखने हैं जो हम generally खरीदते हैं, जो कि grams में हो और kilograms में. ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम grams में खरीदते हैं कि इतने gram चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हम किलोग्राम्स में करते हैं. तो वो सिंपल सी चीज़ है, हम कौन कौन सी चीज़ें किलो में ख़रीदते हैं? वीट, राइस, एंड वॉट एवर पल्सेस. ओ सॉरी, वेट, द आंसर शुड, स्पेलिंग शुड बी PULSES. ओके, आई हैड रिटन सी, सो दैट्स वॉट, दैट वॉज रॉन्ग. पल्सेस. देन नेक्स्ट वॉट वी गेट इन kg, वॉट डू वी बाय इन kgs? पटैटोज. एंड वन मोर यू कैन फाइंड एंड यू कैन राइट. और ग्राम्स में हम क्या खरीदते हैं? जैसे कि स्पाइसेस जो होते हैं वो, और कोरिएंडर, धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कोरिएंडर, आई विल राइट कोरिएंडर. ओके, यू राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग. सो कोरिएंडर, धनिया, वी यूज टू बाय इट इन ग्राम्स. ओके, धनिया आप कभी बोलते हो क्या ये 1 kg धनिया दे दो? नहीं ना. सो लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट, विच इज हैवी, विच इज हैवियर. नाउ ही, दिस मैन इज आस्किंग विच इज हैवियर, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन. कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी होगी, 1 kg आयरन या 1 kg कॉटन? सो आप लोग बोलोगे 1 kg कॉटन, पर नहीं. और कुछ लोग बोलेंगे 1 kg आयरन, नहीं, दोनों का वेट ही सेम है, 1 kg 1 kg. भले दिखने में ये बड़ा है और ये छोटा है और ये ज़्यादा वजन का होता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, 1 kg कॉटन है और 1 kg ही यहाँ पे आपके पास क्या है, आयरन. तो दोनों का वेट तो बराबर दिया हुआ है ना. सो नो नीड टू थिंक अबाउट इट, इट इज़ जस्ट सिंपल 1 kg, बोथ द थिंग्स आर. सो नो बडी इज़ हैवियर एंड नो नथिंग इज़ हैवी एंड नथिंग इज लाइटर हेयर इन दीज टू. नेक्स्ट, दे आर थ्रोइंग थिंग्स विथ हेयर, पिलो. इफ समबडी विल थ्रो पिलो ऑन यू, अगर आपके ऊपर कोई पिलो फेंकता है तो आपको लगेगी नहीं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ये पम्पकिन फेंके या वाटरमेलन फेंके तो आप क्या बोलोगे,
आउच बिकॉज यू विल गेट इट, यू विल गेट हर्ट. जब वो आपके ऊपर गिरेगा तो आपको लगेगी. सो हेयर देवर थ्रोइंग स्टूडेंट्स. ओके सो ही सेड सर शी थ्रू अ हैवी वाटर मेलन एट मी. सो शी सेड आई थ्रू अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन. मैंने 1 kg पिलो ऑफ कॉटन फेंका था. सो आई थ्रू अ 1 kg ऑफ वाटर मेलन यस्टरडे. यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg एंड वाटर मेलन आर 1 kg वाटर मेलन आर इक्वल. तो वो लड़की बोलती है कि सर आपने कल ही कहा था कि 1 kg वाटर मेलन और 1 kg कॉटन का वेट तो बराबर ही होता है, तो मैंने दोनों चीज़ें इसको फेंक के मारी. पॉइंट उस लड़की का क्या था यहाँ पे कि दोनों चीज़ें बराबर हैं तो दोनों चीज़ें फेंकेंगे तो लगेगी नहीं. अगर मैंने पिलो फेंका है तो उससे नहीं लगेगी, तो फिर 1 kg वाटर मेलन से क्यों लगेगी. पर वाटर मेलन हार्ड होता है और जो कॉटन होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको लगी. नेक्स्ट हेयर दीन सेन वेंट शॉपिंग. दीन सेन नाम का ये बच्चा है, ये गया कहाँ शॉपिंग करने. सो इज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स आर रिटन. यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो मार्केट गया तो उसके पास जो लिस्ट थी, उसको कितना क्या सामान खरीदना था, उसमें पीछे लिखा था केजी किलोग्राम ग्राम. सो उसके जो छोटा भाई था उसने क्या किया, वो फाड़ दिया. सो नाउ गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही बॉट इन केजी और ग्राम. अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज़ उसको किलो में खरीदनी है और कौन सी चीज़ ग्राम में. सो लेट्स स्टार्ट दिस हियर. ओके सो व्हाट इज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ राइस. राइस हम कितना लेते हैं, 5 gram या 5 kg, किलो में खरीदते हैं राइस. ओके सो इट इज़ kg. नाउ शुगर, शुगर कैसे खरीदते हो आप, वो भी हम kg में ही खरीदते हैं, kg. मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों के जो सीड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सरसों के सीड्स को, राई जो खाने में डलती है. योर मदर मस्ट नो, आपके मम्मा को पता होगा. सो वो हम कितनी खरीदते हैं, 10 grams. यू कैन राइट जी ओनली. ओके ग्राम्स के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जी. सो ग्राम्स में खरीदते हैं क्योंकि राई इतनी सारी नहीं खाता, थोड़ी थोड़ी डलती है. सो ग्राम्स. वीट, वीट 3 kg होगा, ठीक है. नेक्स्ट दाल, दाल हम 500 ग्राम्स में यूज़ करते हैं, ठीक है. दाल हम केजी में नहीं खरीदते हैं. मे बी मैनी ऑफ यू बाय इट इन केजीज, बट जनरली इफ़ यू विल लुक एट दिस लिस्ट अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन यूज़ इट 500 ग्राम्स. बिकॉज इफ़ यू विल बाय 500 केजी दैट इज़ लॉट्स ऑफ. ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट विल कम इन इन 5 sack. 5 bori दाल का आप करोगे क्या, जब आपने यहाँ पे आटे के लिए जो गेहूँ है, वीट है, वो ही आपने 5 kg ही खरीदा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको 500 ग्राम्स दाल बहुत है. सो नेक्स्ट टी, टी भी बहुत कम यूज़ करते हैं. सो इट विल ऑल्सो कम इन ग्राम. पेपर, पेपर मीन्स काली मिर्ची. सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कमिंग इन ग्राम्स. सो वी हैड फिल्ड इट. नेक्स्ट कार एंड ट्रैक्टर. ओके इफ आई पुट टू कार्स, इफ आई पुट टू कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर. अगर मैं 2 cars पुट करती हूँ तो क्या अभी भी ट्रैक्टर जो है वो भारी रहेगा. देन वी नीड टू नो व्हाट इज़ द वेट, वी कैन ट्राई इट. अगर 2 cars रख देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. ओके लेट्स सी. वॉन्ट टू नो रितु इज़ वेइंग हर, रितु इज़ वेइंग हर टॉय. शी वॉन्ट्स टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज़ हैवियर देन हर कार, हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली. सो गेस विच इज़ द हैवियस्ट, अ रियल कार और अ रियल ट्रैक्टर.
क्या भारी होगी, एक असली कार, रियल की कार, या फिर रियल का ट्रैक्टर? ऑब्वियसली ट्रैक्टर ही ज़्यादा भारी होगा. विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन, सबसे भारी चीज़ आपने क्या देखी है? सो यू कैन राइट हेयर एंड हेयर द आंसर विल बी ट्रैक्टर. टर्न द पेज नाउ. हेयर इज अ स्टोरी, एलिफेंट्स वेट. यहाँ पे अब क्या है, एक स्टोरी है जिसका नाम है एलिफेंट्स वेट. ओके, अब इस स्टोरी में क्या है मेनली कि एलिफेंट का जो वेट है वो नापा जाएगा. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट दिस. वंस अ किंग हैड पेन इन हिज स्टमक. नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर्स कुड क्योर हिज पेन. अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक बार एक राजा थे, वंस अ किंग हैड पेन, पेन मतलब दर्द होना, पेन मतलब दर्द होना, इन हिज स्टमक, उनके पेट में दर्द हो रहा था. नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर, पैलेस मीन्स जो उनके राजमहल के जो डॉक्टर्स थे वो कोई भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे. क्योर मतलब ठीक कर पाना. सो ही वॉज शाउटिंग लाइक रियली, ओ नो आई कैन नॉट बियर द पेन, ओ नो मेरा पेन, दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा. देन द किंग देन सेड, तो किंग बोला फिर, एनी वन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट. तो उसने बोला कि जो भी मेरा पेट दर्द सही करेगा उसको एक एलिफेंट के बराबर क्या दिया जाएगा, गोल्ड दिया जाएगा, हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा. सोचो, थिंक कितना सारा सोना होगा. सो नाउ एनी वन हु क्योर्स हिज पेन, ही सेड ही विल गेट, दैट पर्सन विल गेट गोल्ड इक्वल टू एन एंड एलिफेंट्स वेट. नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम, बट ओनली डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हिम. जो वैदिक नाम से एक जो वैदिक डॉक्टर थे, सिर्फ वही एक डॉक्टर थे जो उनका दर्द सही कर पाए. किसका दर्द? राजा का दर्द. ओ तो अब क्या होता है, वैदिक का ये जो डॉक्टर है ये ही सही कर पाए. तो अब क्या हो रहा है, ओ ग्रेट माय पेन हैज गॉन, थैंक यू डॉक्टर वैदिका. राजा बहुत खुश हो गया और वो बोला कि वाह मेरा दर्द सही हो गया, थैंक यू वैदिका डॉक्टर. तो वो बोलती हैं वैदिका डॉक्टर, सो कैन आई हैव माई रिवार्ड नाउ सर. तो उसने बोला कि क्या अब आप मुझे मेरा इनाम दे सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट हियर, बट द ग्रीडी किंग डिडंट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड, सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक. लेकिन ये जो लालची डॉक्टर था वो उसको पैसे देना ही नहीं, गोल्ड देना ही नहीं चाहता था. सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक, तो उसने एक चालाकी की, उसने एक तरीका सोचा कि मुझे इसको जो सोना है वो ना देना पड़े. सो व्हाट डिड ही थिंक आफ्टर दैट. सो ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. तो उन्होंने राजा ने कहा ओके, फर्स्ट यू गो एंड फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू द गोल्ड एज मच द वेट ऑफ एलिफेंट इज. तो उसने बहुत होशियारी से बोला कि जाओ पहले एक हाथी का वेट तो नाप के आओ, फिर मैं तुम्हें उतना ही सोना दूंगा जितना उसका वजन होगा. वैदिका वॉज अनहैप्पी, वैदिका वॉज अनहैप्पी वैन शी रीच्ड होम. जब वैदिका घर पहुँची तो वो बहुत नाखुश थी, दुखी थी. क्यों? शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. तो उसने उसकी बेटी को पूरी स्टोरी सुनाई कि राजा ने क्या कहा था, मैंने उसको ठीक कर दिया पर उसने मुझे मेरा जो हक था, जो मुझे मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया. सो अब क्या होता है, हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस. तो उसकी माँ बोलती है कि अब मैं क्या करूं, एक हाथी का वेट कैसे नापूं, यहाँ पे इतना बड़ा तराजू थोड़ी ना मिलेगा कि मैं उससे एक हाथी का वेट नाप सकूं. तो वो बोलती है डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. तो
उस बच्ची, वो जो बच्ची थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी. शी सेड कि आप टेंशन मत लो मम्मा, आप जाके राजा को बोलो कि एक बड़ी सी नाव और एक हाथी का अरेंजमेंट करवाएं. तो नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इनवाइटेड द किंग नियर अ रिवर. राजा को नेक्स्ट डे डॉक्टर वेदिका ने नदी के किनारे बुलाया. द किंग केम विद एन एलिफेंट एंड अ बोट. जो राजा था वो नदी के किनारे आया, वो एक, उसने पहले से व्यवस्था करवा रखी थी एक हाथी की और एक बोट की, बड़ी वाली बोट की. सो नाउ आई थिंक शी इज़ अ फूल, हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विद अ बोट. तो राजा वो सोच रहा है, बोला नहीं उसने, पर वो सोच रहा है कि मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ है, ये एक नाव से एक हाथी का वजन कैसे तोल पाएगी. हेयर इट इज़. ओके, तो उसने बोला कि ये लड़की तो बेवकूफ़ है, ये एक नाव से इस बड़े से हाथी का कैसे वजन नापेगी. इट इज़ वेरी नॉट पॉसिबल थिंग. ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट ना, तो उसको क्या पता कि उससे भी नापा जा सकता है. नाउ वेदिकास डॉक्टर वेंट डॉटर वेंट इन टू द रिवर. शी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर. अब यहाँ पे क्या हुआ, शी आस्क्ड देम. पहले तो उसने देखा, किसने, राधिका की बेटी ने, कि जो नाव है वो उसमें पानी में कितनी डूबी हुई है. वहाँ पे उसने क्या किया, एक मार्क बना दिया, ये वाइट कलर का मार्क देख रहे हो, ये बना दिया. फिर क्या किया, देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इन टू द बोट. तब उन्होंने बोला, उसने बोला कि अब आप इस हाथी को इस बोट में लेके आइए. द बोट सैंक डीपर सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट. अब जैसे ही हाथी उसमें चढ़ा, उसका तो वजन ज़्यादा होता है ना, तो जो बोट थी वो थोड़ी सी और अंदर पानी के अंदर चली गई. सो फिर उसने दोबारा पानी का जो लेवल था वहाँ पे मार्क लगाया. सो नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ वेदिकास डॉक्टर डॉटर फाइंड द वेट ऑफ अ एलिफेंट. तो यहाँ पे अब हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से अब आगे क्या हुआ होगा. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि उन्होंने क्या किया कि पहले तो जितना पानी में वो ऑलरेडी था उस पर निशान लगाया, और फिर हाथी के चढ़ने के बाद और वो जो पानी में गया उस पर निशान लगाया. तो उसके बाद उसने क्या किया होगा, वेदिका की डॉटर ने, उसने यही कहा होगा कि अब आप इस बोट को खाली करवा के इसमें इतने सोने के सिक्के डालिए कि, या गोल्ड की चीज़ें डालिए कि ये इस वाले पुराने वाले लेवल से लेके ये जो नए वाले लेवल तक डूब जाए. उतना ही वजन है इस हाथी का और उतना ही सोना हमें मिलना चाहिए. सो उनको सोना भी मिल गया, वो जो किंग था वो मूर्ख भी बन गया. ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ फूल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड ही लॉस्ट द बेट. ही हैड टू गिव ऑल द गोल्ड टू द वेदिका एंड हर डॉटर. सो द स्टोरी एंड्स हियर. आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी एंड आई एंजॉयड इट टू. नेक्स्ट वी विल गो ऑन हाउ मच द चेयर वेट्स. अब आपको ये बताना है कि चेयर का वजन क्या है. यहाँ पे अनामिका वेंट्स टू वेट दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन. अब ये वेइंग मशीन के साथ वो इस चेयर का जो वजन है वो नापना चाहती थी. कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग इट. क्या आप बता सकते हो कि वो इस चेयर का जो वेट है वो इस गोल जिस पे अपन इंसानों का वेट नापते हैं, अपन मतलब अपन लोग खड़े होकर अपना वेट नापते हैं, उस पे कैसे नाप पाएगी, बता सकते हो. मैं बताती हूँ. व्हाट वुड शी डू. सबसे पहले वो अपना वेट नाप लेगी कि उसका वेट कितना है. फिर वो चेयर लेके उस पे खड़ी होगी, फिर वो ये नापेगी कि उसका और चेयर का वेट कितना है, और फिर वो उस चेयर और खुद के वेट में से खुद का वेट माइनस कर देगी. तो उसको पता चल जाएगा कि जो चेयर है वो कितने की है, कितने केजीज की है, समझे. सो दिस थिंग ओनली वी हैव टू डू. अब हमें यही चीज़ करनी है आगे. कैसे, ब्रोकन स्टोन मीन्स एक पत्थर है, वो कुछ वजन का था, समथिंग लाइक 13 केजी का था.
अब हुआ क्या, अब्दुल सेल्स फायरवुड, अब्दुल जो है वो लकड़ियाँ बेचता है जलाने के लिए. देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 kg, ही यूज्ड इट टू वे फायर वुड. अब क्या हुआ कि वो जो अब्दुल था उसके पास एक 13 kg का क्या था, स्टोन था, जिससे कि वो ये जो फायरवुड्स हैं इनको वेट करता था कि कितना वेट है और फिर सेल करता था. लेकिन क्या हुआ, सडनली वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces विच वेज 2 kg, 5 kg एंड 6 kg. अब एक दिन क्या हुआ, उसका जो पत्थर था वो उसके वो गिर गया एनी हाउ और फिर वो 3 pieces में बट गया और तीनों पीसेस के वेट क्या थे, 2 kg, 5 kg एंड 6 kg. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू यहाँ हेयर. बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, लेकिन ये जो अब्दू है ये बहुत स्मार्ट था, होशियार था. ही यूज्ड दोज 3 pieces टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स. लेकिन उसने क्या किया कि वो इतना समझदार था कि उसने इन्हीं तीनों पीसेस से 1 से लेकर 9 तक के जी तक के सारे वजन इन्हीं तीनों पीसेस को यूज़ करके नाप लिए. हेयर इज हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड. अब अब्दू ने कैसे क्या किया कि उसने क्या किया कि एक तरफ 6 kg रख दिया, ठीक है. 6 और 5 kg में कितना डिफरेंस होता है, 6 में से माइनस करो 5 को 1 बचेगा ना. यानी कि अगर हम दूसरे साइड एक 5 kg का स्टोन रख दें और उसके बाद हम जितनी भी उसमें वज़न कम है उसका 6 kg से उधर वो जो फायरवुड्स हैं उनको रखते जाएं, तो वो जो फायरवुड्स हैं वो कितने kg की हो जाएंगी, 1 kg की हो जाएंगे. तो इस तरीके से उसने क्या किया कि 1 kg ऑफ फायरवुड्स नाप ली. सो नाउ व्हाट वी विल डू, हेयर टर्न द पेज. हेयर दे हैड गिवन अस फ्यू थिंग्स हेयर दैट वी हैव टू मेजर. अब हमें यहाँ पे उन्होंने वेट दे रखा है कि 4 kg ऑफ जो फायरवुड्स हैं वो हमें इन्हीं स्टोन को यूज़ करके नापना है कि कैसे हम नाप पाएंगे. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, अब हमें 4 kg करना है. 2 से तो हम 4 kg नाप नहीं पाएंगे क्योंकि तो हमें बड़ा एक साइड 6 kg रखना पड़ेगा. एक साइड क्या करना पड़ेगा, 6 kg रखना पड़ेगा. अब 5 और 2 में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 में से माइनस करेंगे तो 4 आंसर आना चाहिए, दैट इज़ 2. तो दूसरे साइड हम 2 kg का स्टोन रख देंगे और अब आप 2 kg वाले साइड में जितनी भी लकड़ियाँ इसको दोनों को पैनल्स को बराबर करने के लिए डालेंगे वो 4 kg होंगी. सो इस तरीके से आप 4 kg फायरवुड पता कर सकते हैं कि कैसे आप नाप सकते हैं कि कितनी होंगी. सिमिलरली 3 kg करना है. अब 3 kg में से करेंगे तो एक साइड हम 5 kg रख देंगे और दूसरे साइड हम 2 kg का वेट रख देंगे. अब यहाँ पे 5 kg दोनों साइड बराबर करने के लिए यहाँ पे कितने kg आपको फायरवुड चाहिए, 3 kg, तो जिससे कि आपको 3 kg वुड्स मिल जाएंगे. ओके, और फिर लास्ट है 7 kg फायरवुड्स. तो 7 kg फायरवुड्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 kg का जो वो है स्टोन पत्थर और 2 kg का जो स्टोन है वो दोनों को साथ में रख दो एक साइड. तो 5 + 2 kg कितने हो गए, 7 kg. तो दूसरे साइड आप उतनी फायरवुड्स रखो ताकि ये जो दोनों साइड्स जो तराजू के होते हैं वो प्लेट्स बराबर एक लेवल पे आ जाएं, तो आपका जो फायरवुड है वो 7 kg वेट हो जाएंगे. सो हेयर आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं. नाउ टर्न द पेज, वी हैव नेक्स्ट थिंग, पोस्ट ऑफिस. What we have next? Post office. What we will do here? अब हमें यहाँ पे कुछ questions हैं जो कि post office के बारे में हैं. So first of all the question is have you ever been to a post office? क्या आप कभी post office गए हो reality में, कि आपने देखा हो कि post office में क्या होता है, कैसा होता है? If yes, then very good. If no, then visit sometime. So you can write your answer yes or no. आप यहाँ पर अपना answer लिख सकते हैं. Next, what different things do people go there for? किन किन कामों के लिए वहाँ पर जाया जाता है post office के लिए? So there are many things that you can do. ठीक है, letter भेजना है, letter receive करना है, money orders, parcels, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम जा सकते हैं. So you can write those things, make a line like this and write those things. Okay.
नेक्स्ट, हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? एक पोस्ट कार्ड कितने रुपए का आता होगा? जस्ट क्यूरियसली. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू हेयर, वी हैव टू टेल द वेट ऑफ अ पोस्ट कार्ड. सो जो पोस्ट कार्ड है वो कितने का आता है, कितने वेट का आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कितने रुपए में आएगा वो हम बता सकते हैं. हाउ, यहाँ देखिए, सिंगल पोस्ट कार्ड हाउ मच इट इज़, 0.50 रुपीज़. मैंने रुपीज़ का चैप्टर आपको अभी समझाया था, हम समझ चुके हैं. सो यू मस्ट नो 50 रुपीज़ मीन्स 50 पैसे, यानी कि आधे रुपए का आता है. सो नेक्स्ट, सेकेंड, नो नॉट सेकेंड, फोर्थ, हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? इनलैंड लेटर वो कितने का आएगा? सो लुक एट, चेक दिस एंड चेक, इनलैंड लेटर कितने रुपीज़ का आएगा? 2.50 रुपीज़. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव हेयर, लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट. यहाँ पे जो चार्ट में पोस्टल रेट्स दी गई हैं हमें वो देखना है और फिर आंसर करना है नीचे दिए हुए क्वेश्चंस. हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स? 50 ग्राम्स के जो आपको लेटर भेजने होते हैं, जो 50 ग्राम्स के होते हैं, उनके लिए आपको जो स्टैम्प लगाना होता है वो कितना होता है, कितने का होता है, मतलब आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे फॉर दैट. सो वी हैव हियर, वी हैव टू चेक लेटर वेइंग. अगर हमें लेटर भेजना है तो उनके वेट्स के हिसाब से हमें यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं फॉर इट. ओके, फॉर स्टैम्प्स. सो यहाँ पे क्या है कि हम जब भी लेटर या पार्सल भेजते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर वेट, उनके वेट्स के हिसाब से उन पर कितने रुपीज़ का जो स्टैम्प होता है, स्टैम्प लगता है. जैसे कि अगर कोई 20 ग्राम का है तो उस पर अलग स्टैम्प लगेगा, 50 ग्राम पे अलग स्टैम्प लगेगा, 100 ग्राम पे अलग स्टैम्प लगेगा, और उससे ऊपर अगर हुआ तो क्या होगा कि वो 50 ग्राम से ऊपर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो स्टैम्प खरीदना पड़ेगा, स्टैम्प के पैसे लगते हैं. सो दैट दे आर आस्किंग कि अगर कोई, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स? अगर कोई लेटर है जो 50 ग्राम का है तो उसके लिए आपको कितने रुपीस उसको स्टैम्प वाले व्यक्ति को देने पड़ेंगे उस स्टैम्प के लिए. सो हम उसको कितने रुपीस देंगे फॉर स्टैम्प? हम देंगे उसको ₹5 फॉर 20 ग्राम, फॉर नेक्स्ट 20 ग्राम. अब यहाँ पे क्या है ना कि 20 ग्राम्स का दिया हुआ है लेकिन हमें 50 ग्राम्स का तो दिया ही नहीं है. सो हमें क्या करना है कि 20 ग्राम या 20 ग्राम से लेस का अगर कोई चीज़ है तो वो 5 रुपीज़ में आ रही है. कितने रुपीज़ में आ रही है? 5 रुपीज़ में. लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? सो लेट्स सी वॉट वी कैन डू हेयर. ओके, वी हैव अ थिंग कि जो 50 रुपीज़ होते हैं, वी हैव 50 रुपीज़, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मीन्स अलग अलग पार्ट्स में देते हैं, ठीक है. सो इसको अगर हम अलग अलग करेंगे 20 के रूप में, 20 20 20 20 में करना है, तो एक 20 प्लस 20 प्लस 10, क्योंकि 20 20 में तो हमने प्लस कर दिया लेकिन लास्ट में बचा 10 है तो हम 10 लिख देंगे. सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बताया हुआ है कि 20 ग्राम के लिए 5 रुपये देंगे, 20 ग्राम के लिए हमने दे दिए 5 रुपीज़ उसको. फिर यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, मतलब अगर उसमें आप 20 ग्राम से ज़्यादा का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें ऐसे 20 20 करके उसको ऐड करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा जो हम
मतलब ये जो है 20 और 10 ये एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा 20 ग्राम के लिए हमें कितने रुपीस देने पड़ रहे हैं, 2 रुपीस। तो जब हम एक्स्ट्रा 20 ग्राम के रुपीस देंगे तो हम कितने देंगे, 2 रुपीस। हम ये नहीं करेंगे कि 20 ग्राम के लिए 5 है तो 20 के लिए 5, 20 के लिए 5, 5 और 5 10 हो गए और फिर इसके लिए 2.5। नहीं, हमें क्या करना है, उन्होंने बोला है कि अलग, अगर वो 20 से ज़्यादा है तो उसके बाद के जो 20 वेट है उसका 2 रुपीस लगेगा, और ये क्या है 10, 20 का आधा है तो 2 का आधा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 रुपीस फॉर 10 ग्राम लगेगा। ठीक है, 10 ग्राम के लिए 1 रुपी लगेगा, तो टोटल कितने रुपीस देने पड़ेंगे हमें स्टैम्प के, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, सो हाउ मच रुपीस वी विल गिव, 8 रुपीस टू दैट पर्सन फॉर द स्टैम्प। स्टैम्प के लिए हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 8 रुपीस। सिमिलरली सो हेयर यू कैन राइट, यू हैव टू गिव 8 रुपीस टू हिम। एंड वॉट वी कैन डू वन मोर थिंग यहाँ पे, कि 20 ग्राम के लिए उन्होंने 2 रुपीस बोला, लेकिन अगर वो 10 है तो हमने उसको हाफ कर दिया। अभी क्या करेंगे हम, देयरफोर यहाँ पे एक चीज़ और होगी, क्या कि जो 10 वाला है ये, इसमें 10 रुपीज़ जो बच 10 ग्राम जो बचा है, हम उसको 20 के एडिशनल में ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी 10 एडिशनल की वैल्यू दी है नहीं, तो हम ये नहीं कर सकते कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि हमने 10 के लिए 20 का हाफ कर दिया, तो हम वो नहीं कर सकते। अगर वो 1 ग्राम ज़्यादा भी है, ठीक है, यहाँ पे 10 की जगह अगर 1 ग्राम है ना, तो भी आपके 2 रुपीज़ ही लगेंगे। कितने रुपीज़ लगेंगे, 2 रुपीज़ ही ज़्यादा लगेंगे। सो वी नीड टू ऐड 1 more रुपीज़, सो वी विल गेट 9 रुपीज़ आंसर। हमें उन्हें एनी हाउ 9 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब वो आप चाहे यहाँ पे 10, 1 से लेके 20 तक के बीच में कोई भी नंबर हो, आपको देने ही 2 रुपीज़ ही पड़ेंगे। सो व्हेन यू विल ऐड इट यू विल गेट 9 रुपीज़, दैट मीन्स आपको उनको आंसर में यहाँ पे 9 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट, आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल टू द मैथ्स मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड। ये जो मैथ्स मैजिक जो टेक्स्ट बुक है, ये उसको उसके फ्रेंड को भेजनी है, आकाश को, हिज फ्रेंड रानी फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, रानी फ्रॉम चेन्नई। सो अब यहाँ पे क्या है, आकाश को रानी को मैथ्स मैजिक की बुक भेजनी है। द बुक वेट्स 200 ग्राम, जो बुक है वो 200 ग्राम के लिए है। सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। अब यहाँ पे ये बताया है कि पार्सल भेजने के लिए, अब बुक तो बड़ी चीज़ हो गई तो वो तो पार्सल में आएगी, लेटर थोड़ी ना है। सो पार्सल भेजना है अब उसे, अब यहाँ पे ये लिखा है कि 50 ग्राम्स का अगर कोई भी है या उससे कम का है पार्सल, तो हमें क्या करना है, 5 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा स्टैम्प के लिए। लेकिन अगर आपको 50 और अगर वो 50 ग्राम से ज़्यादा का हुआ, तो आपको हर 50 ग्राम या उससे कम के लिए क्या देना पड़ेगा, 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो जैसा अभी हमने इसमें किया था वैसे ही अब हम इसमें करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे, कि एडिशनल, पहले तो हम सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे कि जो इसके 50 के हिसाब से इसको डिवाइड कर लेंगे। जो हमारा पार्सल है मैथ्स मैजिक बुक, मैथ्स मैजिक बुक, ये कितने ग्राम की है, 200 ग्राम। तो जब हम इसको 50-50-50 में अलग अलग करेंगे, 50-50-50 ऐसे करके अलग करेंगे, तो हमें कितनी बार 50 को अलग करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। ओके, तो 50 + 50 + 50 + 50। तो पहले 50 के लिए तो हम पूरा उनको कितने रुपीज़ देंगे, यहाँ पे कितना है बोला है, 5 रुपीज़ देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको 5 रुपीज़ दे दिए। लेकिन ये जो तीनों 50 हैं ये तो एडिशनल है, क्या है, एडिशनल है, अलग से है ना। सो यहाँ पे 3 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी आपको हर के लिए, 3 रुपीज़।
ठीक है, अब आप इन सबको प्लस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपके पार्सल के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। 5 + 3 + 3 + 3, 3 × 3 = 9। हम इसको 3 3 3 लिखने की जगह 3 × 9 करके लिखेंगे। 5 + 3 = 9, तो 3 × 9 कितने होते हैं, 3 × 9 = 5 + यहाँ पे ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो 3 × 9 = 9, 9 + 5 = 3 × 3 = 9। सो 3 × 3 = 9, 9 + 5 = 14। सो हाउ मच रुपीज़ यू हैव टू गिव, 14 रुपीज़। सो दिस इज इट, ये वाला क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, यू हैव टू गिव 14 रुपीज़। नेक्स्ट, रीड द वेट शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, उनका वेट शो हो रहा है आपको, यहाँ पे उसके बारे में पता करना है कि यहाँ पे पहले तो उनका वेट कितना है उस पर लिखा हुआ है, और उसके बाद फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दिस वेट। अगर उतना वेट है तो हमें कितने जो कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी उस पार्सल के लिए। सो यहाँ पे चेक करिए, लेट्स स्टार्ट दिस। ये जो है इस पर कितना वेट लिखा है, 200, 500, 500, 100 and 1000। ओके, 1000, यानी कि ये जो हो गया ये तो इनके ग्राम्स हो गए कि इतना इतना वजन के चीज़ों पे इतना इतना का स्टैम्प लगेगा। अभी पार्सल वेट इन ग्राम्स, पार्सल यहाँ पे कितने ग्राम में आ रहा है, ठीक है, ये सब ग्राम्स के हिसाब से है ना, तो ग्राम्स में ही होगा, और उसके हिसाब से क्या कॉस्ट है। सो इफ वन पार्सल वेट्स, सपोज 500, अगर कोई पार्सल है जो 500 का वेट कर रहा है, पार्सल है ये कितना है पार्सल, हम इस वाले पार्सल के हिसाब से देखेंगे, जो पार्सल है वो इस पे रखा हो गया है वेटिंग मशीन पे, और उस पर कितना आया है, देखो 200 से 250, 200 के बाद 250 के बीच में फाइव लाइंस हैं, दैट मीन्स 20, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। तो ये कौन सी लाइन पे आ रहा है, 200, 210, 220, 230 दोनों के बीच में, यानी कि 230 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 225 है वैसे तो ग्राम हम सही लिखें। इसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, अब स्टैम्प कितने का है, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो है 225 ग्राम्स, और हमें ये चीज़ पता है क्लियरली कि 50 के हिसाब से नापा जाता है, तो जब वेट 225 ग्राम्स वेट है उस पार्सल का, तो इसको हम 50-50 में अलग करेंगे, तो 50 + 50 + 50 + 50 + 25। तो अब हमें इसी हिसाब से इसके पैसे ऐड करने पड़ेंगे। फर्स्ट 50 के लिए हमें 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे, कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 5। अभी यहाँ पे 3 50 हैं, सो हम क्या करेंगे, 3 × 3 करेंगे, क्योंकि 3 50 हैं और 3 3 रुपये के हैं, और ये जो 25 है हमें इसके लिए भी लेकिन 3 रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1 से लेके 50 के बीच में आ रहा है और या अनदर 50 के उसमें आता है, अंडर आ रहा है इसलिए। सो 3 × 3 = 9 प्लस 3 + 5 = 9 और 3 होते हैं 12, ठीक है, 9 और 3 = 12, 12 + 5 = 17, मीन 17 रुपीज़ यू हैव टू गिव, अंडरस्टैंड। सो हाउ मच रुपीज ही विल गिव, 70 रुपीज। हाउ मेनी स्टैम्प्स, राहुल नीड स्टैम्प्स फॉर ₹25 फॉर हिज पार्सल, ठीक है, 25 रुपीज़ के पार्सल के लिए उसको स्टैम्प चाहिए। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ओनली स्टैम्प ऑफ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ and 5 रुपीज़ and 10 रुपीज़ वर देयर एट द टाइम। जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपीज़ के जो थे
स्टैम्प्स वही अवेलेबल थे. तो अब क्या करें वो, उसको 25 के स्टैम्प्स चाहिए, 25 रुपीस के हिसाब से स्टैम्प चाहिए. अब वो कितने स्टैम्प्स लेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो कितने स्टैम्प्स लेगा वो भी हमें इसको अलग अलग करके करना पड़ेगा. 25 जो है उसको अगर हम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 10, तो हम जो 25 है, क्या है 25 रुपीस है, उसको एक्सपेंड करेंगे 10 में. 10 + 10 + 5, पहले हमने जितने 10 हो सके उतने निकाल लिए इसमें से, और फिर जो बचे हैं वो हमने अलग लिख दिया. दैट 5 बचा है और 10 कितने हैं, 2 10 हो गए. सो अब हम क्या करेंगे, ये 10 रुपीस का एक स्टैम्प लेंगे, ये 10 रुपीस का एक स्टैम्प लेंगे, और 5 रुपीस का एक स्टैम्प लेंगे. टोटल कितने स्टैम्प हो गए, 3 स्टैम्प वो 25 रुपीस में लेगा. ठीक है, 2 10 वाले लेगा और 1 5 रुपीस वाला स्टैम्प लेगा. सो ही कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम इजीली, और वो अपना पार्सल भेज सकता है. कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज व्हाट इज द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग द स्टैम्प ऑफ रुपीस 25. वो कितना, अब हमें ऐसे 5 तरीके बताने हैं. अभी हमने क्या बताया कि 2 10 वाले ले ले और 1 5 वाला ले ले. तो इस तरीके से आपको 5 अलग अलग तरीके बताने हैं, वो आप खुद ही करेंगे. सो यू विल गेट द आंसर. नाउ नेक्स्ट, अवर वेट टुगेदर, हमारा वजन साथ में. अ फॉरेस्ट फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो. How can I escape? The frog thought. Suddenly a trick came to his mind. He asked the crow, Are you good at arithmetic? If yes, then I will ask you a problem. Arithmetic maths का ये एक solution करने का वे होता है बस. So यहाँ पर जो ये जो frog था, ये इसके मुँह में, crow के मुँह में उसने दवा रखा था कि मैं तो उसको खाऊँगा. अब वो ये सोच रहा है कि मैं इसके मुँह से तो निकल नहीं पा रहा था, अब मैं कैसे निकलूँ. तो जो फ्रॉग था वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने बोला कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए. तो वो क्रो से बोलता है कि क्या तुम अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि मैथमेटिक्स इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हो. तो उसने बोला हाँ, क्यों नहीं. अब वो बोलता है, फ्रॉग पूछता है, योर वेट इज 650 ग्राम, तुम्हारा वेट कितना है 650 ग्राम, एंड आई एम ओनली 145 ग्राम्स, और मेरा वजन सिर्फ 145 ग्राम है. हाउ मच डू वी वेट टुगेदर, तो हम दोनों का साथ में वजन कितना होगा. सो द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, जो क्रो था वो मैथमेटिक्स में खुश था. सो ही हैप्पीली ओपन्ड हिज बीक टू आंसर, तो वो बहुत खुशी खुशी आंसर देने के लिए बोला कि अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट साबित हो जाऊँगा इसके सामने अगर मैं सही आंसर देता हूँ. तो ही हैप्पीली ओपन्ड हिज माउथ एंड for the answer. What happened after that? So what was the answer of the crow wanted to give? So crow ने क्या आंसर दिया होगा वो बताइए, और इसके बाद क्या हुआ. जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुँह खोला, वो जो फ्रॉग था वो उसके मुँह से निकल के भाग के बच गया. और सेकेंड चीज़, जो आंसर यहाँ आया होगा, मतलब जब उसने बोला तो वो क्या आंसर देना चाहता होगा, वो आंसर देना चाहता होगा कि जो उन दोनों का टोटल वेट पूछा है, तो उन दोनों का टोटल वेट होगा 795 ग्राम्स. कितना वेट होगा उन दोनों का टोटल, 795 ग्राम्स, ये उनका टोटल वेट होगा यहाँ पे, राइट. नेक्स्ट, एम आई फिट और फैट, क्या मैं फिट हूँ या फैट हूँ. नाउ दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. सो द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 10 years old. ये जो चार्ट है ये क्या बता रहा है कि 6 से लेके 10 ईयर ओल्ड तक के बच्चे जो हैं उनके हाइट और वेट बता रहा है कि कितना होना चाहिए या फिर कितना है. अभी नेम यहाँ पे सारे नेम्स लिखे हैं, एज कितने साल के बच्चे हैं वो लिखा है, हाइट उन लोगों की हाइट कितनी है वो लिखी है, और वेट उन सबका वेट कितना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ. सो नाउ लाइक दिस
Now you also fill the table by finding out the age, height and weight of any five friends. तो आप अपने अपने फ्रेंड्सों से बोलिए कि वो अपनी एज, हाइट और वेट पता करें. फिर आप उनसे पूछिए अपने दोस्त का नाम, उससे पूछो उसकी एज कितनी है, उससे पूछो आपने हाइट नापी होगी, नाप के बताओ कितनी है, और उससे वेट भी पूछो. और फिर इस टेबल को आप क्या करो, कंप्लीट कर दो. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर्स पेज, दैट इज लास्ट पेज एंड दैट इज़ अ पज़ल. सो यहाँ पे क्या है कि आपको पिक्चर पज़ल दी हुई है. आई वॉन्ट रीड दिस, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू करेक्टली. यहाँ पे बताया है वन मैंगो एंड वन पपाया एंड ऑरेंजेस. ऑरेंजेस ये छोटे वाले क्या हैं, ऑरेंजेस. वन मैंगो और वन ऑरेंज का वेट क्या है, तीन ऑरेंजेस के बराबर है. ठीक है, कितने के बराबर है, तीन ऑरेंजेस के बराबर है. सेकेंड बैलेंस पे टू पपाया का वेट किसके बराबर है, टू ऑरेंजेस एंड वन मैंगो के बराबर है. सो नाउ वन पपाया एंड वन मैंगो वेट्स हाउ मैनी ऑरेंजेस. तो वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक मैंगो का वेट कितना है. अगर आप देखें कि ये ऑरेंज और ये ऑरेंज का वेट बराबर है तो इन दोनों को काट दो, कैंसिल, हटा दिया, तो एक मैंगो का वेट कितना आ गया, टू ऑरेंज. यानी कि मैंगो, वन मैंगो इज इक्वल्स टू टू ओ आर ए एन जी ऑरेंजेस. अब यहाँ पे टू पपाया हैं और यहाँ पे वन मैंगो एंड टू ऑरेंजेस हैं. अब यहाँ पे मैंगो रखा है, हमें ये पता है कि मैंगो का वेट कितना है, टू ऑरेंजेस. तो यहाँ से हम मैंगो हटा के टू और ऑरेंजेस रख देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टू पपायास कितने ऑरेंजेस के बराबर हैं. सो अब हमें ये पता चल गया कि टू पपायास फोर ऑरेंजेस के बराबर हैं. सो वन पपाया हटाएंगे यानी कि टू है, तो इन दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे तो क्या होगा कि दोनों में से एक पपाया का वेट आ जाएगा. वन पपाया वेट्स टू ओ आर ए एन जी ई एस ऑरेंजेस. वो कैसे हो गया कि टू को अगर हम हाफ करेंगे, टू इंटू हाफ, और यहाँ पे फोर ऑरेंजेस है ना, वन मैंगो हटा के हमने उसकी जगह टू ऑरेंजेस रख दिए तो फोर ऑरेंजेस हो गए. फोर ऑरेंजेस इंटू हाफ करेंगे तो टू से फोर कटेगा तो टू बचेगा, और टू से टू कटेगा वन, तो वन इक्वल टू टू. सो वन पपाया इज इक्वल्स टू टू ऑरेंजेस. तो हमें ये भी पता चल गया कि वन पपाया टू ऑरेंजेस है, वन मैंगो टू ऑरेंजेस है. तो यहाँ पे कर दो कि वन पपाया टू ऑरेंजेस, वन मैंगो टू ऑरेंजेस. तो टोटल आंसर क्या आ गया, वन पपाया एंड वन मैंगो इज इक्वल टू फोर ऑरेंजेस. सो वी गेट द आंसर हियर करेक्टली कि यहाँ पे कितने ऑरेंजेस आएंगे. सो आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन एंड वी कैन डू इट बाय योरसेल्फ. दिस वन, फाइंड द मार्बल. सो यहाँ पे क्या करना है हमें, इस पे तीन मार्बल्स दिए हुए हैं. देयर आर थ्री मार्बल्स ऑफ द सेम साइज बट वन मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द टू. अब जो यहाँ पे ये जो तीनों हैं बराबर हैं, लेकिन इनमें से एक है जो या तो थोड़ा सा भारी है या थोड़ा सा कम वेट का है, तो वो आपको पता करना है कि कौन सा है और कैसे. सो आप ये देख सकते हो कि इन दोनों की, सबसे पहले क्लियर चीज़ है कि इन दोनों की जो डिज़ाइन है वो सेम है, तो लगभग इन दोनों का जो वज़न है वो सही होगा. लेकिन इसकी डिज़ाइन फुल कवर्ड है, ऐसे में ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है देन टू ऐसे में. सो ये दोनों का वज़न ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी है, ये हमने देख के अंदाजे से बताया है. यू हैव टू सॉल्व इट कि पहले आप किस तराजू पे किसको किधर रखेंगे, फिर किसको किधर रखेंगे, यू हैव टू डू. हेयर अवर चैप्टर एंड्स. डू स्टडी वेल एंड डू दिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस देम वेल. थैंक यू.